सर आपका पार्लियामेंट वाला बयान अब तो सच साबित हो गया, बाकी आवाम की ताकत से आगे। मैंने कहा था कि हक की फतह होनी है, सच की फतह होनी है, और वो लोग जो नजायज़ ज़राए से असम्बली में आए थे और जो मैंने अल्फाज कहे थे कि ये आवाम का मैंडेट लेके नहीं आए, आवाम की ताकत से जीत के नहीं आए, ये ऐसे ढकोसले से जीत के आए हैं, इन्होंने किसी और तरीके से इलेक्शन जीते। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले ने उस पर मोहर तस्दीक सब कर दी है। आज मैं समझता हूँ कि इमरान खान की फतह है, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की फतह है, आज आईने पाकिस्तान की फतह है, हक की फतह है और सच की फतह है। आज तो आप इधर से उधर और मुझे मैं समझता हूँ मेरा खून जो है वो मजीद बढ़ गया है कि जो हमें जुल्म जबर फस्तायत जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ रवा रखी गई पिछले 10 साल में, अल्लाह ने हमें साबित कदम रखा, जो क्या हम फकीर लोग हैं, डरते हैं तो वादा शरीक से डरते हैं जिससे डरने का हक है। और आज ये पूरे तस्दीक और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को, आज उन्होंने पाकिस्तान को बचा लिया है, उन्होंने पाकिस्तान की सलामती पे मोहर तस्दीक सब कर दी है। उन्होंने ये इतना मैं समझता हूँ कि बहुत लैंडमार्क डिसीजन दिया है जिससे जो अपने मकसद के हक में लोग अपने सिस्टम को चलाना चाहते थे उनका मकसद भी पूरा नहीं हुआ, और आज पाकिस्तान हकीकी अंदाज में जमहूरियत की फतह हुई है, आइन की फतह हुई है, और ह्यूमन राइट्स जीत गए, अवाम का मैंडेट जीत गया है, और गरीब अवाम की फतह हुई है। और मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं इसको कैसे बता रही है कि आज आप सुलह करवाई।